अगर आप OLX के जरिए पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इस खबर को देखने के बाद जरूर सावधान हो जाइए। दरअसल कानपुर पुलिस ने एक ऐसे ही वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो चोरी हुई गाड़ियों को OLX के जरिए बेचते थे। पुलिस ने खुलासे में बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 गाड़ियां बरामद की हैं जो यूपी समेत नेपाल से बाइक चुराकर OLX पर बेची जाती थी। चकेरी थाना क्षेत्र में साहब और उनकी टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लगभग 42 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। इनका जो मेन सरगना था वो यही मंगला विहार चकेरी का रहने वाला है। वो यहाँ से बाइक चोरी करता था, ताला तोड़कर बाइक चोरी करता था। उसके बाद अलग अलग एजेंट अलग अलग जनपदों में हैं, नेपाल में हैं, और कुछ OLX पे बेचने वाले एजेंट हैं। उनको ये लोग बाइक की फ़ोटो भेजते थे और चॉइस के हिसाब से बाइक मंगा ली जाती थी। 5,000 रुपये उन एजेंट से पर बाइक कलेक्ट किया जाता था, 5,000 रुपये पर बाइक कलेक्ट किया जाता था। ये तो पूछताछ में इनसे पता चला है और इसी क्रम में 42 बाइकें इनसे बरामद हुई हैं। कुछ बाइकें ऑलरेडी कनेक्ट हो गई हैं जिनके मुकदमे लिखे हुए हैं। बाकी अलग अलग थानों से बातचीत पता किया जा रहा है कि किस किस के थाने की बाइक चोरी है यहाँ से बरामद। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।